अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइबर ठगों ने ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी का नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। साइबर क्राइम यूनिट गुरुग्राम ने ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के नाम पर गेम खिलाने और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस रैकेट पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ सोनू, जो इस रैकेट का सरगना भी है, पवन, अर्शदीप, तरुण, पारसदीप, दीपक, हिमांशु और राजेंद्र के रूप में हुई है। एसीपी प्रियांशु दीवान की माने तो डीसीपी साइबर क्राइम के निर्देश पर एक रेडिंग पुलिस टीम गठित की गई और बताए गए स्थान पर चलाए जा रहे ऑफिस पर रेड की। रेड के दौरान ऑफिस फर्जी तरीके से संचालित होना पाया गया। आरोपियों द्वारा अलग अलग गेम खिलाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करके ठगी की जा रही थी। 1 अप्रैल 2024 को एक विश्वसनीय सूत्र से हमें सूचना मिली कि सेक्टर 52 के रहशे इलाके में ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट के बदले मोटा प्रॉफिट का झांसा देने के नाम पर काफी लोगों से ठगी की जा रही। इस कार्रवाई पर अमल लाते हुए साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर SHO सवित कुमार ने किया और रेड के पश्चात इसमें अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें इस रैकेट के मुख्य संचालक भी गिरफ्तार है, जिसकी पहचान सुनील कुमार निवासी फतेहाबाद के रूप में हुई। ये रैकेट पिछले 1 साल से चल रहा था और इसके जो किंग पिन या मास्टरमाइंड है वो अभी तक उसकी पहचान श्रीलंका से ज्ञात हुई है। इन आरोपियों से अभी तक 29 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आगे फैक्ट्स आएंगे वो आप सबके साथ मुहैया कराए। बहरहाल आरोपियों द्वारा इस जालसाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले 28 मोबाइल फोन्स और 3 लैपटॉप पुलिस ने बरामद किए हैं। साइबर क्राइम यूनिट आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। रिमांड के दौरान साइबर क्राइम यूनिट आरोपियों से पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन लोगों ने कितने और लोगों को चुना लगाया है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।